एक लॉ बुक बना दी पर वो लॉ इतने ड्रेकोनियन और इतने ग्रे एरिया थे उसमें कि कि आप 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 क्योंकि वो एक गुलाम पॉपुलेशन को को कंट्रोल कर रहे थे कि आप किसी को भी उसको हिरासत में ले पाओ अब ये जो सिडिशन लॉ है इसमें इसके अंदर इतना वाइड स्कोप है कि आप किसी की लिखी हुई पोएम को भी सिडिशन बोल सकते हैं राइट तो किसी के किसी भी ट्वीट को आप सिडिशन के अंदर आप डाल सकते हैं कोई अगर मंत्र पड़ेगा तो उसको भी आप सिडिशन में डाल सकते हैं तो जब लॉ ही गलत है और जो अंग्रेजों ने एक गुलाम वो अपने देश की पॉपुलेशन के लिए नहीं है आज हम सब इंडिया का पार्ट है आज जब हम इंडिया के लिए बोलें तो जब सच बोलते हैं तो कोई ना कोई तो अनकंफर्टेबल होता है हमारी सरकारें अनकंफर्टेबल होंगी पर अब लॉ ऐसे बनानी चाहिए जो अपने ही लोगों के लिए उस हिसाब से कि भी ये हमारे लोग हैं इनके इनको कैसे मैनेज करना है जस्ट बिकॉज कोई बात अनकंफर्टेबल है आप सेडिशन लॉ लगा के उसको अंदर कर दो और उसकी आवाज दबाओ और आप देखेंगे ज्यादातर सडिशन की जो एफ या बेसिकली जो भी केस दर्ज होते हैं उसके अंदर चार्जशीट होते नहीं है ज्यादातर में क्योंकि वो बनता ही नहीं है तो सिर्फ सडिशन लॉ ही नहीं और भी कई लॉज पे इंडियन गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि अब हम लोग अपनी सरकार चला रहे हैं अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है और ये लॉ बुक्स अंग्रेजों की आप देख लो हमारे कितने पिनल कोड के अंदर धराए हैं जो 1905 की 1870 की 1890 की वो पिनल कोड बने हुए थे कि जब आप एक दूसरी कंट्री में रूल कर रहे हो तो वहां पे कैसे चलाने है? वो फेर हैं वो फेयर है ही नहीं वो तो जो रूलर्स के हाथ में है इसी वजह से तो लोग पुलिस से इतना डरते हैं क्योंकि उनके हाथ में ऐसी पिनल कोड हैं जो अंग्रेज उनको देके गए हुए हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और पीनल कोड्स को भी जो करंट जोरिस जो करंट ह्यूमन वैल्यूज हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके बेसिस पे ये चीजें करनी चाहिए